नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं आपको क्रिप्टन का रूम हीटर। तो दोस्तों, ठंडी चालू हो चुका है तो रूम हीटर हमने एक लेकर आया है। तो दोस्तों, इसको कैसे यूज करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। और क्रिप्टन स्टा कौन थी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर दे दिया आपको। तो दोस्तों, इसमें दे दिया है मतलब 400 वाट का दो मतलब बर्नल दे दिया जो गर्म होता है उसको, तो 800 वाट का मतलब ये रूम हीटर है। तो यहाँ पर दे दिया टाइटल ओवर प्रोटेक्शन स्विच, और यहाँ पर लो पावर कंप्रेशन दे दिया है, और इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं, और एक साल का वारंटी आपको मिल जाता है। चलिए ओपन करते हैं और इसके अंदर का हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा मेरा आवाज़ फंस रहा था तो थोड़ा सर्दी जुकाम हो चुका है। तो दोस्तों, पहले मैं इसको ओपन करते हैं। अगर आपको चाहिए तो अमेजन पे जाकर आप सर्च करके ले सकते हैं, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर बुक कर सकते हैं। और इसका रेट भी जान सकते हैं, क्योंकि इसका रेट कम बेसी होता रहता है, क्या मालूम कम में आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए मैं इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर का सीन दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर का सीन कुछ इस तरीके का आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कितना गजब थर्माकोल लगाया गया है, मतलब इसको डैमेज ना हो। तो दोस्तों, अब हम इसको चालू करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर 1 साल का वारंटी मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर मार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रॉड दिया है जो कि 400 वाट का है दोनों रॉड, तो 800 वाट का मतलब ये हीटर हुआ, मतलब रूम हीटर हुआ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का आगे यहाँ पर देख सकते हैं बैंडिंग भी है, और यहाँ पर ऑन ऑफ का है। तो चलिए अब लाइट में लगाकर हम चेक करते हैं कैसा चलता है। हम इसको लाइट में लगाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया डू नॉट कवर, मतलब इसके आगे मतलब कोई कवर वगैरह नहीं लगा सकते, नहीं तो जल जाएगा। तो चलिए हम इसको लाइट में लगाते हैं, उसके बाद इसको ऑन करके हम आपको दिखाते हैं। हमने इसको चालू किया तो चालू नहीं हो रहा है। तो फिलहाल इसमें क्या है कि जो इसके बैक साइड में जो पाचे का साइड नीचे का साइड है ना, ये देखिए जो एस वाइट वाला है एनसीबी है। अगर आपका जो भी हीटर थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा या थोड़ा सा भी अगर उठा रहेगा या थोड़ा टेढ़ा रहेगा तो आपका हीटर जलेगा ही नहीं। जब आपको हीटर को सीधा रखेंगे पूरा तो ये प्रेस पड़ेगा, मतलब इसको दाब पड़ेगा, जैसे आप सीधा रखेंगे ये दाब पड़ेगा ना, तब भी आपका हीटर ऑन होएगा, तब भी आपको बत्ती जलेगी। देखिए, अब हीटर टेढ़ा करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक, अभी फिर मैं सीधा किया ऑटोमेटिक जल रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसमें ऑप्शन दिया है, आप जैसे इसको टेढ़ा करेंगे ना वैसा ही आपका क्या है कि हीटर बंद हो जाएगा। अभी देखिए, ऐसे जब टेढ़ा करेंगे तो आपका हीटर बंद, जो एनसीबी है ना वो नीचे सट जाता है, तो आपका जो है हीटर चालू रहता है। जैसे आप टेढ़ा होता है एनसीबी मतलब हट जाता है, जैसे आपका टेबल वगैरह पे रखा हुआ है तो अगर आपका गिरेगा ना तो मतलब समझ लीजिए कि लाइट वगैरह सब कट जाएगा इसके अंदर का। तो दोस्तों, बहुत मस्त हीटर है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन पे जाके आप ये रूम हीटर ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक कॉइल जल रहा है और हम दोनों कॉइल जला के दिखाते हैं किस तरीके का लगता है। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना हीट हो रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा यही वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।